ऑयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम, इनके पिनहेड्स कब सूखते हैं, क्यों सूखते हैं और इन पे उपाय क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जो पिनहेड्स होते हैं ये कब सूखते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा विंटर सीजन में और समर सीजन में पिनहेड ड्राइंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व होता है। बारिश के मौसम में भी ये प्रॉब्लम दिखता है लेकिन उतना नहीं दिखता है जितना विंटर और समर सीजन में दिखता है। अभी डायरेक्टली पिनहेड ड्राइंग के कारण और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है। समझो आपके शेड में आपको पिनहेड्स ड्राई होने के मतलब पिनहेड्स ड्राई हो रहे हैं आपके शेड में, तो अगर वो 1-2% 3-4-5% तक ही ड्राई हो रहे हैं तो ठीक है। इसका अर्थ यह है कि समझो आपके शेड में 100 पिनहेड्स है और उस 100 पिनहेड में से एक पिनहेड, दो पिनहेड, 3-4-5 पिनहेड अगर ड्राई हो रहे हैं, 100 में से अगर 2-3-4-5 पिनहेड्स ड्राई हो रहे तो वो बहुत ही नॉर्मल है। हर किसी के शेड में कुछ ना कुछ पिनहेड तो ड्राई होते ही होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर पिनहेड्स ड्राई हो रहे हैं, जैसे 100 पिनहेड्स में से अगर 10% 20% यानी कि 10-20 अगर पिनहेड्स ड्राई हो रहे हैं तो वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, फिर आपको उस पर सॉल्यूशन अप्लाई करना होगा। 100 पिनहेड्स में से अगर 3-4-5 अगर ड्राई हो रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5-10-20 अगर पिनहेड्स 100 पिनहेड्स में से ड्राई हो रहे तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, देन आपको उस पर सॉल्यूशन अप्लाई करना होगा। बेसिकली ये जो पिनहेड्स ड्राई होने के पीछे है ना 5 कारण होते हैं, हर एक कारण और उसके उपाय के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। पिनहेड्स ड्राई होने के पीछे का पहला और सबसे बड़ा कारण है टेम्परेचर। जब मैंने टेम्परेचर वर्ड बोला तो आपके माइंड में क्लियरली आ गया होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो पिनहेड्स सूखते हैं, राइट। लेकिन जब आपके शेड में टेम्परेचर बहुत कम भी होता है ना तब भी पिनहेड्स सूखते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि समर में जैसे समझो टेम्परेचर 28 से ज़्यादा 38 से ज़्यादा जाता है और काफ़ी लंबे समय तक 2-3-4-5 घंटे के लिए वो 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही रहता है तो आपके शेड में पिनहेड्स सूखेंगे। वैसे ही जब विंटर में आपके शेड में टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाता है और बहुत लंबे समय के लिए अगर रात भर समझो 7-8 घंटे के लिए वो 15 डिग्री सेल्सियस से कम है आपके शेड में टेम्परेचर, तो भी आपके शेड में पिनहेड सूखने की संभावनाएँ बहुत बढ़ती है। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने से और टेम्परेचर बहुत कम होने से आपके शेड में पिनहेड सूखेंगे। अब ये तो कारण हो गया, अभी इस पर सॉल्यूशन क्या आपको अप्लाई करना है कि आपको टेम्परेचर कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आपको 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली अगर आप समर की बात करते हो तो समर में कैसे टेम्परेचर कंट्रोल करना होगा इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि समर में ऑयस्टर मशरूम का क्रॉप कैसे ले, वो वीडियो इस वीडियो के बाद जरूर रेफर करो ताकि अभी समर लगने वाला है तो समर में जब आपके शेड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप उस प्रकार से आपके शेड में टेम्परेचर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे और काफ़ी हद तक आपके शेड में समर में टेम्परेचर कंट्रोल भी हो जाएगा और समर में भी आप ऑयस्टर मशरूम का कल्टिवेशन कर पाओगे। पिनहेड्स ड्राई होने के पीछे का दूसरा बड़ा कारण ह्यूमिडिटी। अब जब मैंने ह्यूमिडिटी बोला तो टेम्परेचर के जैसे इसको भी इस तरीके से मत सोचो कि जब ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाएगी तो पिनहेड्स सूखेंगे और ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाएगी तो पिनहेड्स सूखेंगे, नहीं। ह्यूमिडिटी के केस में ऐसा नहीं है। ह्यूमिडिटी अगर 60% के नीचे, आइडियली हमें हमारे ऑयस्टर मशरूम के लिए और मिल्की मशरूम के लिए भी 60-80% के बीच में ह्यूमिडिटी आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। जब आपके शेड में ह्यूमिडिटी 60% से नीचे चले जाएगी और वो नीचे भी काफ़ी लंबे समय तक रहेगी, फॉर एग्जांपल 1-2-3-4-5 घंटे के लिए अगर आपके शेड में ह्यूमिडिटी 60% से नीचे है तो पिनहेड सूखेंगे। अगर 1-2 घंटे के लिए कम है देन आपने वापस से रेज कर लिया 70-80% तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आपके शेड में 60% के नीचे जाएगी बहुत ज़्यादा समय के लिए तो पिनहेड सूखेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि 80% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी जब जाएगी तो पिनहेड सूखेंगे, नहीं। आपके शेड में अगर ह्यूमिडिटी पूरे 24 घंटे के लिए 100% भी रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें और एक चीज़ आपके माइंड में शायद आ सकती है, जो काफ़ी महीनों से या फिर सालों से ऑयस्टर मशरूम का कल्टिवेशन कर रहे हैं तो उनका शायद ये कहना होता है कि कभी कभी क्या होता है ना, ऑयस्टर मशरूम गलने लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, उसकी शेल्फ लाइफ भी बाद में कम हो जाती है और वो ज़्यादा वाटर होल्ड करके रखता है। तो उनका कहना होता है कि जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है 80% से
तब इस प्रकार का प्रॉब्लम आता है। लेकिन ये प्रॉब्लम उसके वजह से नहीं है, ह्यूमिडिटी 100% होने की वजह से नहीं है, क्योंकि बारिश में भी आपके शेड में आप ऑब्जर्व करोगे 100% ह्यूमिडिटी होती है फिर भी क्रॉप अच्छा आता है। ये प्रॉब्लम तब ऑब्जर्व होता है ओस्ट्रा मशरूम गलने का, यानी कि उसमें ज़्यादा वाटर होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं ओस्टर मशरूम के क्रॉप पे दिन में 3-4 बार वाटर स्प्रे करते हैं, और वाटर स्प्रे भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके वजह से वो ज़्यादा वाटर होल्ड करता है और वो उतना हेल्दी नहीं दिखता जितना नॉर्मली ओस्टर मशरूम दिखना चाहिए। तो ह्यूमिडिटी का प्रॉब्लम नहीं है, वो ह्यूमिडिटी 100% रहे आपके शेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी 60% से नीचे जा रही है एक दो घंटे के लिए वो तो वैसे भी एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा अगर 60% के नीचे है तो आपके शेड में के जो पिनहेड्स हैं वो ड्राई होने लगेंगे। अभी ये तो हमने कारण आइडेंटिफाई कर लिया कि जब 60% से नीचे ह्यूमिडिटी जाएगी ज़्यादा लंबे समय के लिए तो आपके शेड के पिनहेड्स ड्राई होने स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको मतलब पिनहेड्स तुरंत ड्राई नहीं होते हैं, पहले दिन जब पिनहेड्स बाहर निकलेंगे ना तो जब आप ऑब्जर्व करोगे तो थोड़ी सी उनकी कंडीशन हेल्दी से अनहेल्दी दिखना स्टार्ट हो जाता है, और लगभग और 12 घंटे में या फिर अगले दिन में वो ड्राई हो जाते हैं। तो आपको ऑब्जर्व करते रहना है कि ह्यूमिडिटी तो सही है, इसमें और एक चीज़, अगर ह्यूमिडिटी भी सही है और फिर भी अगर आपके शेड में जो पिनहेड्स हैं वो ड्राई हो रहे हैं तो कोशिश करें कि आपके शेड की जो ह्यूमिडिटी है वो तुरंत 90% से 95% तक अप कर लो, मतलब उसको बढ़ा लो। और सेकंड सॉल्यूशन उस पर अप्लाई कर दो कि जो पिनहेड सूख रहे हैं ना, मतलब कभी गलती से एक आध दिन आपने ह्यूमिडिटी प्रॉपरली कंट्रोल करी नहीं तो पिनहेड सूखने लग रहे, तो तुरंत उस पिनहेड पे वाटर स्प्रे कर लो। उस पिनहेड पे अगले हर 3-4 घंटे में वाटर स्प्रे कर लो जब तक वो हेल्दी कंडीशन में नहीं आ जाता है, तो वापस से वो मतलब ड्राइंग कंडीशन से हेल्दी कंडीशन में आ जाएगा एक ही दिन में। अगर आप उस पर 3-4 बार प्रॉपरली वाटर स्प्रे करते हो तो आपका पिनहेड सूखेगा भी नहीं है और वापस से वो उसकी ओरिजिनल कंडीशन में आएगा और उसका क्रॉप वैसे ही आएगा जैसे अच्छी क्वालिटी में आ सकता था। तो हमने तो देखा कि ह्यूमिडिटी कम होना ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन ह्यूमिडिटी को मेंटेन कैसे करें इस पर हमने एक ऑलरेडी बहुत लंबा डिटेल में वीडियो बनाया है जो हम हमारे ट्रेनिंग सेशन में सिखाते हैं, वही हमने पब्लिक वीडियो बना के रखा है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो वीडियो इस वीडियो के बाद ज़रूर रेफर करो ताकि ह्यूमिडिटी के बारे में जो भी आपके कंसेप्ट डाउट्स हैं वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाए। पिनहेड्स ड्राई होने के पीछे का तीसरा मेजर कारण है प्रेशर। जब मैंने फ्रेशर बोला तो इसको टेम्परेचर के जैसे ही अंडरस्टैंड मत करो कि अगर फ्रेशर कम दी हमने तो पिनहेड सूखेंगे और फ्रेशर बहुत ज़्यादा दी तो पिनहेड सूखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने आपके शेड में 2400 घंटे फ्रेशर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप दे सको 24 आवर्स फ्रेशर आपके शेड में तो आपके शेड में जो पिनहेड्स आएंगे वो तो बहुत ही हेल्दी कंडीशन में आएंगे। लेकिन जब आप आपके शेड में 24 घंटे फ्रेशर दोगे तो आपके शेड में की जो ह्यूमिडिटी है ना वो कम होती है, मतलब फ्रेशर और ह्यूमिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। जब आप फ्रेशर देना शुरू करोगे तो ह्यूमिडिटी कम होती है, तो जैसे ही फ्रेशर देके बंद करते हो आप फ्रेशर देना तो ह्यूमिडिटी आपको वापस से रेज करनी है। आप ऑब्जर्व करोगे कि जब आपके शेड में सफोकेशन होना स्टार्ट होगा, जब आप खुद आपको लगेगा कि फ्रेश एयर की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, तो पिनहेड्स ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। ये तीसरा कारण है कि फ्रेश एयर की कमी की वजह से पिनहेड्स ड्राई होते हैं। इस पे सॉल्यूशन क्लियर है कि आपको आपके शेड में 4-6 घंटा अगर फिर भी मतलब टेम्परेचर भी आप प्रॉपरली कंट्रोल कर रहे हो, ह्यूमिडिटी भी प्रॉपरली कंट्रोल कर रहे हो, फिर भी पिनहेड्स अगर सूख रहे हैं तो ये तीसरा मेजर कारण हो सकता है कि फ्रेश एयर की कमी की वजह से आपके शेड में पिनहेड ड्राई हो सकते हैं। जब पिनहेड्स ड्राई होना शुरू हो जाएंगे तो आप कम से कम 4-6 घंटे, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, या फिर सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, इस तरीके से आप फ्रेश एयर दे सकते हो। फिर भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको सुबह चार घंटे और शाम को 4 घंटे इस तरीके से फ्रेशर देना, मतलब फ्रेशर की क्वांटिटी बढ़ा लो। जब टेम्परेचर भी सही है, ह्यूमिडिटी भी सही है और फिर भी पिनहेड सूखना बंद नहीं हो रहे तो फ्रेशर पे आप फोकस कर सकते हो। फ्रेशर सुबह ही क्यों देनी है और शाम को ही क्यों देनी है और फ्रेशर किस हिसाब से देनी है, फ्रेशर का कम्प्लीटली कंसेप्ट हमने एक डिटेल्ड वीडियो में बनाया है CO2 एंड फ्रेशर का कंपैरिजन करके, तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो आप देख सकते हो फ्रेश एयर की कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ये जो सभी लिंक्स मैंने आपको रेफरेंस के तौर पर बताई है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको दे दूंगा ताकि आप क्लियरली आप उनको रेफर करके आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर कर सको। पिनहेड ड्राई होने के पीछे का चौथा और बहुत ही मेजर कारण दोस्तों, ये चीज़ बहुत लोगों को पता नहीं होती है कि अगर उनके शेड में कुछ मक्खियाँ है, मच्छर है, लार्वा है, तो ये जो मक्खी मच्छर लार्वा जो होते हैं ना उनके शेड में, इन्होंने जो नया पिनहेड निकलता है उसके
डंठल पे अगर उन्होंने डंक मार लिया, उनको उन्होंने काट दिया, थोड़ा सा लार्वा ने अगर पिनहेड खा लिया तो आपका जो पिनहेड है वो सूख जाएगा। ये एक बहुत ही मेजर कारण है पिनहेड ड्राइंग के पीछे। तो हमें हमारे शेड में जो मच्छर है, मक्खी है, लार्वा है, इस तरीके के प्रॉब्लम्स अगर ऑब्जर्व हो रहे हैं तो उस पर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। कारण समझ में आया कि अगर मच्छर, मक्खी या फिर लार्वा, इस तरीके की चीज़ों ने अगर पिनहेड को ड्राई किया तो पिनहेड सूखने लगेंगे। इस पर जो सोल्यूशन है, इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि लार्वा, मच्छर, मक्खी को कैसे कंट्रोल कर सकते हो आपके शेड में, तो वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिन कमेंट में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो उसको आप ज़रूर रेफर करें। अब आपको क्लियरली पता चल गया है कि अगर 2-3-4-5% पिनहेड ड्राई होते ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉर्मल है, हर किसी के शेड में होती है। दूसरी चीज़, अगर टेम्परेचर हमने प्रॉपर कंट्रोल करी है, ह्यूमिडिटी प्रॉपर कंट्रोल करी है, हमने फ्रेश एयर प्रॉपर से दिए है, हमने लार्वा, मॉस्किटो और फ्लाई का भी बंदोबस्त किया है, फिर भी अगर पिनहेड ड्राई हो रहे हैं, 5% से ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, 10% से ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, तो आखिरी पांचवा कारण ये हो सकता है कि आपके शेड में बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस है। मतलब जब आप लाइट, बिना लाइट के आपके शेड में जा ही नहीं सकते, इतना अगर डार्कनेस है तो वो भी एक कारण हो सकता है कि आपके शेड में पिनहेड्स सूख सकते हैं। क्योंकि जो पिनहेड्स होते हैं ना, शुरुआत में आते हैं, उनको इनडायरेक्ट सनलाइट और हल्का जो लाइट होता है, उस तरीके की लाइट्स चाहिए होती है ग्रो होने के लिए। अगर इनडायरेक्ट सनलाइट और लाइट्स उसको बिल्कुल ही नहीं मिली, 2400 घंटे अंधेरे में अगर आपका पिनहेड रह रहा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। चांसेस बहुत ही कम है कि ऐसे शेड में आप कल्टीवेशन करो जहाँ बिल्कुल भी लाइट आती ही नहीं है, आपको सामने कुछ भी नहीं दिखता है, ऐसे रीजंस बहुत कम है। लेकिन जो लोग तलघर में इस तरीके के शेड बनाते हैं, तो उनको इस तरीके की दिक्कत जा सकती है, चांसेस बहुत कम है। बट ये भी एक रीज़न है जो आपको मैंने बताया और बताना ज़रूरी भी था, जिसका नॉलेज आपको होना ज़रूरी है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि जो मेरे शेड में प्रॉब्लम हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। जितने भी अभी तक हमने YouTube वीडियोज़ बनाए हैं, लगभग काफ़ी नॉलेज हमने आपको दे दिया है, ताकि आपकी ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन की जर्नी आसान हो सको। आप इसी तरीके से टेक्निकल नॉलेज इन एडवांस डिटेल में और हमारा लाइव सपोर्ट चाहते हो, तो आप हमसे ट्रेनिंग भी ले सकते हो। ट्रेनिंग की इंक्वायरी के लिए आप हमसे 7021370477 इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। अगला कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हो हमारे चैनल पे, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और ये वीडियो कैसे लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करने के लिए, अगला टॉपिक और इस वीडियो का फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और ये वीडियो पूरा देखने के लिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।